press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक मजेदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की दो मशहूर महिला पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे महवेश नास को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी रिबाह इमरान, और ये दोनों सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीयों के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच महवेश। रिबाह इमरान प्रधार रही है। पिछले दिनों किसी ने मैं लाइव आई तो नीचे किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि रिबाह इमरान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मेरी बात सुनो, मैंने ना व्लॉग्स डालना शुरू किए और ऑडियंस ने पता है क्या कमेंट्स करना शुरू कर दिए, सॉफ्टवेयर अपडेटेड। मैं कर देती हूँ, एंड होता है ना, मैं कर देती हूँ उसका टाइटल सॉफ्टवेयर अपडेटेड वाला। बैरल गाइस, सॉफ्टवेयर इज नॉट अपडेटेड। हाँ, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब करने के लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और आप लोगों को पता है कितनी ट्रेंडिंग चीज चल रही है, तो आई थॉट आई शुड कवर। बाकी जो चीज आप लोगों के साथ कनेक्टेड थी उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली शाम को 5 से 8 बजे के दरमियान लाइव आप लोगों ने मेरा वेट जरूर करना है, लाइव ज्वाइन भी करना है, देखते रहना है। मैं 5 से 8 के दरमियान कभी भी चैनल पर लाइव आ सकती हूँ, टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट करेंगे, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाकी मॉर्निंग में जो मैं ब्लॉग डालूंगी उसको भी एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। और ये जो लोग बार बार बंटी कर रहे हैं, बंटी गोवा गया हुआ है, जैसे ही वापस आएगा बंटी के साथ लाइव करेंगे। और अच्छा जी, पाकिस्तानी आर्मी ने सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया। मारो मुझे भाई, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी यार, कोई मजे मजे की बात पूछो, कोई सवाल अच्छे से करो यार। मैं भी ये ऑन कर रही हूं कि कोई मतलब कमेंट्स पढ़ने के लिए। रिबाह तुम बताओ कुछ, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हो, किधर गायब हो, कंटेंट क्या कर रही हो? मेरे पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के मिड चल रहे हैं, और मैं उस पे जो है उसकी तैयारियां कर रही हूँ। और मास कम्युनिकेशन थ्योरीज का मेरा जो है वो फ्राइडे को मिड है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ मैं प्रोग्राम्स, खबर जो है ना, इतनी चीजें मेरे माइंड में चल रही है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लिटरली मतलब मैंने शोर ऐसे डाला था जैसे मैं बहुत पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ बिल्कुल नहीं रही हूँ, और मेरे दिमाग में सिर्फ पेपर ही पेपर चल रहा है, पढ़ मैं फिर भी कुछ नहीं रही हूँ। कौन से ऐसे लेजेंड लोग हैं जो पेपर से पहले, यानी कि पेपर से एक रात पहले नहीं बल्कि बहुत अरसे पहले ही तैयारी करके बैठ जाते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, नीचे कमेंट। तुम पहले तैयारी कर लेती हो सारी? नहीं, मैं 11th hour पे तैयारी करने वाले बच्चों में से थी, जो मेंटली आएंगे तो देख लेंगे, मैं वो बच्चा थी। अच्छा रिबाह मेरी बात सुनो, अभी ना मुझसे कोई यहाँ पे बार बार पूछा था पीओके का, मुझे बताओ ये पीओके वाली न्यूज, पीओके वाली कह रही हूँ, पाकिस्तान वाले जो कश्मीर है उसकी देखी है कोई खबर? अच्छा मैं इस पे प्रोग्राम वाकई करने का सोच रही थी, वो जो व्हील जाम किया है इस बेसिकली ना, मैं विश हुआ ये है कि कश्मीर में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और इसकी डिटेल जो है वो आप किसी अगर एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर देगा, क्योंकि मैं तो कश्मीरी हूँ ही नहीं। लेकिन जो मैंने खबरें देखी हैं उसमें ये है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और कभी कोई न्यूज़ तो कभी कोई न्यूज़। मेन जो एजेंडा वही होता है कि रोटी कपड़ा मकान, जो एक बेसिक नीड है जो हमारी एक हकूक है उसके लिए। ओके ओके, तो ये हमारे कश्मीर में चल रहा है राइट? अच्छा कोई बंदा कह रहा है, एथिस्ट ऑन यूट्यूब कह रहा है आजाद कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर प्रोटेस्ट है और कुछ नहीं। ओके 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 यार, कोई कह रहा है आपको न्यूज के बारे में नहीं पता। महवेश यार मैंने बताया आप लोगों को ऑलरेडी, मैं ट्रिप पर गई हुई थी, और कोई चार दिन के बाद मैं ट्रिप से वापस आई हूँ, मुझे कुछ भी लेटेस्ट अपडेट जो है ना मैंने अभी तक सर्च नहीं किया। और मैं जब से आई हूँ एक दिन मैंने नींद पूरी की है, आज सुबह से मेरे पास 2-3 ब्रांड्स का कॉन्टेंट पड़ा हुआ था, मैंने सारा वो एडिट करके दिया है,
और अभी मैं YouTube पे आप लोगों से बात करने के लिए बैठी भी यही सोच के थी कि कुछ कनेक्शन बनाया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि मैं जिंदा हूँ, कल से हम लोग प्रॉपर रेगुलर काम करेंगे और आने वाले टाइम में आप लोगों ने मिस नहीं कराना, आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना, ये YouTube बहुत मेहनत से हमने खड़ा किया है, ये मेरी फैमिली है तो हम इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। रिबाहा, और इसके अलावा बताओ यूनिवर्सिटी के अलावा क्या चल रहा है कॉन्टेंट को लेके? अच्छा मैं भी बात पता है क्या है कि ऑब्वियसली कुछ पास्ट में कुछ इस तरह के मामला थे, कुछ पर्सनल रीजंस भी थी और कुछ जो है वो काफी चीजें चल रही थी जिंदगी में जो इस वजह से हम जो है वीडियोस को ठीक तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और काफी कॉन्टेंट को रखते थे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरी आवाज मुझे क्यों वापिस आ रही है? अब बोलो। अच्छा तो बात ये है कि हम अगर मतलब पास्ट की बात करें तो हम रेगुलर इसलिए भी नहीं थे कि चीज़ें हमारे कुछ मामला ठीक भी नहीं थे और पर्सनल रीजंस भी थी, कुछ अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल कुछ इस तरह के थे कि आप नहीं भी कभी कंटिन्यू कर पाते हो। लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब को हम हमेशा बहुत, यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली को तो हमेशा बहुत प्यार करते हैं और अब से रेगुलर होंगे और जो गलती कोताही हमने पिछले पूरे एक महीने में वीडियो डालकर नहीं मतलब की है उसको सुधारेंगे भाई, उसको सुधारेंगे। उल्टा बोल रही हूँ भाई, आज सब कुछ उल्टा चल रहा है। जो कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी आप लोगों के साथ एक जो बॉन्ड बना हुआ था, वो दरमियान में जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, हम उसको दोबारा रीफिल करेंगे, हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे और पिछला जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत माजरत। मुझे पता है इतने मैसेजेस मुझे ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि इंस्टाग्राम पे भी आते थे, फेसबुक पे भी आते थे कि यार दरमियान में छोड़ के चले गए, डिच करा दिया, क्यों कंटेंट नहीं डाल रही, वीडियो क्यों नहीं लग रही, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ने कर दिया, आर्मी ने कर दिया, फलाने कर दिया फलाने, ऐसी कोई वजह नहीं है। आप लोग भी सिटीजन हो, आप लोग भी जिस कंट्री में रहते हो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि आप लोग कंटेंट करते हुए सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर सोच रहे होते हो, आप एज अ सिटीजन कभी कभी सोचना भूल जाते हो। तो वही चीज़ें कुछ हैं जो हम लोग लैक कर रहे थे, जिनके लिए हमें जो है ना कुछ चीज़ें समझाई गई कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, इन चीज़ों को थोड़ा ट्रैक पे लेकर आओ, चीज़ों को जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखो, थोड़ा नॉलेज आप लोगों के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग किसी भी टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे, अरे बाहर की तरफ से भी होपफुली यही होगा कि हम उसको सारे हर एंगल से पहले देखें, उसके ऊपर हर तरह का हर तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और फिर वो आप लोगों के सामने आए और सारे तरह राय लेंगे। कि सिर्फ हम, मैं तो मतलब मेरी गलती ये होती थी कि मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आगे जो मेरे चैनल पर जो लोग खुद क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय होती है वो अपनी राय रखते थे, लेकिन अब मैं जो हूँ इस पर ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी लेकर आऊँगी और कुछ और भी मेरे प्लान्स चल रहे हैं फर्दर, वो आने अगर वो सक्सेसफुली मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाई तो ज़रूर आप लोगों को मेरे चैनल पर नज़र आएंगे और बल्कि मेरे क्या महविश के चैनल पर भी नज़र आएंगे। और महविश ने तो जो है वो व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, आप उसके व्लॉग्स को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करें और बड़े अच्छे इनके व्लॉग्स होते हैं। एग्जैक्टली रिभा सही कह रही है, स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को कल से डेली व्लॉग मिलेगा। आप लोगों ने अगर कोई दिन एक आधा छूट भी जाए तो माफ कर देना उसके लिए, लेकिन डेली व्लॉग मिलेगा। आप लोगों ने हर व्लॉग पे कॉमेंट्स करने, हर व्लॉग पे मुझे अपनी राय देनी है कि कैसा है, क्या चीज किस व्लॉग में कैसी लगी, क्या अच्छा था क्या बुरा था, किसको इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे अपने व्लॉग में ज्यादा लेके आनी चाहिए, कौन सा बंदा है जिसको आप लोग मेरे व्लॉग में पसंद कर रहे हैं। अभी मैं टूर से होकर आई हूँ 4-5 दिन का ट्रिप करके, तो मैं उसके भी व्लॉग्स डालूंगी, इसलिए आप लोगों ने, यू गाइज जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन दबाए रखना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, कमेंट करना है और एंड तक देखनी है हर हाल में, और डेली शाम को मुझे लाइव ज्वाइन करना है। पाकिस्तानी टीम और मैं बस देख रही थी कि आयरलैंड और पता नहीं किसी का मैच जरूर चल रहा है, इस तरह का अपडेट आई थी, मैंने उसको खोल के नहीं देखा क्योंकि मैं थोड़ी सी मसरूफ थी, घर में गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, सो दैट्स व्हाई। तो बाकी है कि मैचेस भी जो है वो चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कहाँ पर। मैं यहाँ पर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बस ये कहना है यार क्या सवाल रिबाहा से रहे, क्वेश्चन देख के पढ़ना, नेपाल कब आ रही हो यार, मैंने बड़ी प्लान किया लेकिन नहीं, इसका ऑनेस्ट जवाब देती हूँ, नेपाल
भोपाल कब आ रही हूँ, मैंने बड़ी दफा प्लान किया, बड़ी दफा मेंटली सोचा है कि आई शुड लाइक विजिट आउट ऑफ कंट्री नाउ और फलां जगह पे जाकर डिफरेंट लोगों की राय लीजिए, स्पेशली इंडिया. बट अनफॉर्चुनेटली वजह ये होती है कि ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सीज या जो सिनेरियोज और जो क्लैशेज है ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सिनेरियो बहुत सारे स्टेप से गुजर के आप वहां तक पहुंच पाते हो, तो वो क्लियर नहीं हो पाते कभी. ऐसा ही है और देखिए हाँ, जिंदगी रही जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो हालात वाकियात और मामलात हमें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं. लेकिन अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक सीजन देखा है हीरा मंडी पार्टीशन से पहले. तुमने देखा है? मैं भी पूरा कंप्लीट लिटरली मुझे कितना मतलब वो कल्चर बेसिकली पार्टीशन से पहले का कल्चर उन्होंने दिखाया गया है, किस तरह जो अंग्रेज हैं उन वो मतलब बड़े सगीर पे या सब कॉन्टिनेंट पे किस तरह वो इन्फ्लुएंस रखते थे, और मतलब किस तरह हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी लोगों ने उनसे आज़ादी हासिल की, और किस तरह मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ी थोड़ी करके बताई गई, और हीरा मंडी का इसमें क्या रोल रहा है, और जिस तरह वो मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि जिस तरह मैंने वो मूवी देखी, और वो मतलब बहुत प्यारी, अगर तुमने स्टोरी सुनी है ना महविश उसको देखोगी, और मतलब सुनने में और उसकी ड्रामास में या उसके एपिसोड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ज़बरदस्त से डायलॉग्स हैं और जिस तरह की उनकी एक्टिंग्स है, एक्टिंग की हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की हुई है, और उस रोल को पूरी तरह, और किस तरह उनका क्या रोल रहता है हीरा मंडी में, जो औरतें रहती हैं उनका क्या आज़ादी के हवाले से उनका क्या रोल होता है, चाहे वो हीरा मंडी को चला रही है लेकिन उनका उनके कंट्री के साथ जो मतलब वफादारी है उसमें, यानी कि एक एग्जाम्पल बना के रखी है कि हम जो मर्जी हो इनकलाब लाएंगे, आज़ादी के लिए हम कुछ भी करेंगे, और अंग्रेज़ों से आज़ादी में उनका एक रोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सीजन. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और महविश नाज और इबाहिम इमरान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों महिला पत्रकारों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहाँ पे इस टाइम काफी ज्यादा हंगामा है. आपने देखा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है वो इस टाइम पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के आमने सामने है, पर आपने देखा सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ये दोनों कैसे डरी डरी और कितने ध्यान से बातें कर रही थी कि कुछ बात ऐसी ना निकल जाए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, और आपने देखा कि बातों बातों में महविश नाज के मुंह से पीओके निकल गया, यानी कि खुद वो पाकिस्तानी है और उन्होंने बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बाद में उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की. तो आशा करता हूँ ये बात आपने नोटिस की होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. जय हिंद, जय भारत.